दोस्तों आज 5 फरवरी 2019 है और आज मंगलवार को पेट्रोल डीजल के ताजा भाव, सोने चांदी के ताजा भाव, साथ ही में आज की 3 बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज की जो 3 बड़ी खबरें आई हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि वो खबरें सभी सरकार की तरफ से हैं। इसीलिए उन 3 खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी भगा देंगे तो हो सकता है आप कोई जानकारी मिस कर देंगे। साथ ही में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। साथ ही में आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसका नाम क्या है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों आपको पेट्रोल डीजल सोने चांदी का ताजा भाव बताने से पहले आइए वो 3 बड़ी खबरें बता देते हैं। आज की पहली खबर कि व्हाट्सएप का नया फीचर लॉन्च, अब चेहरे और टच आईडी से कर सकेंगे चैटिंग लॉक। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने लंबे इंतजार के बाद अपना एक खास फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से अब व्हाट्सएप यूजर अपने फेस को अपना लॉक बना सकते हैं और टच आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, इसकी मदद से अब व्हाट्सएप यूजर की चैट बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपका टच या आपका फेस नहीं होगा तब तक आपकी चैटिंग ऑन नहीं होगी। फिलहाल इसे iOS वर्जन पर पेश किया गया है, जल्दी हो सकता है इसे एंड्रॉइड यूजर के लिए पेश कर दिया जाए। आज की दूसरी खबर कि 697 रुपए में खरीद सकते हैं 5999 रुपए का स्मार्टफोन, फीचर भी है दमदार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, अभी आप सिर्फ 6000 रुपए वाला फोन सिर्फ 697 रुपए में ले सकते हैं। आपको बता दें, ये Redmi का 6A फोन है, जो कि काफी मशहूर फोन है। आपको बता दें, कंपनी की तरफ से अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप कंपनी को कोई पुराना फोन देंगे तो उस पर आपको अधिकतम एक्सचेंज 5302 रुपए तक मिल सकता है। तो अभी आपको ये फोन सिर्फ 697 रुपए का पड़ेगा। आप अधिक जानकारी के लिए मी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और आज की तीसरी खबर, चीनी मिलों पर गन्ने किसानों का लगातार बढ़ रहा है बकाया, इसमा ने चीनी रेट बढ़ाने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पर गन्ने से चीनी बनाई जाती है वहाँ पर किसानों के पैसा बहुत ज्यादा बकाया जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह बताई जा रही है कि चीनी का इस बार काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है और किसान गन्ने पे गन्ना लेकर आ रहे हैं, इसीलिए जो मिल वाले हैं उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे। अब इसी को देखते हुए चीनी की कीमतों को बढ़ाने की मांग की गई है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको चीनी कुछ महंगा मिले। दोस्तों आइए अब आपको पेट्रोल डीजल सोने चांदी का ताजा भाव बता देते हैं। बात करें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें, आज ही पेट्रोल के दामों में 15 पैसे की कटौती की गई है। 15 पैसे की कटौती करने के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल कीमत 70 रुपए 44 पैसे है। बात करें डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 10 पैसे की कटौती की गई है। 10 पैसे की कटौती करने के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 65 रुपए 51 पैसे का है। वहीं बात करें देश के आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो मुंबई में पेट्रोल के दामों में 14 पैसे की कटौती की गई है। 14 पैसे की कटौती करने के बाद अभी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 8 पैसे है। वहीं बात करें मुंबई में डीजल की, तो मुंबई में डीजल के दामों में 11 पैसे की कटौती की गई है। ये कटौती करने के बाद अभी मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपए 59 पैसे है। बाकी आप अपने शहर, आप अपने गांव का पेट्रोल डीजल का ताजा भाव इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा जाकर देख सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। दोस्तों बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की, तो आपको बता दें, दिल्ली के सर्राफा बाजार में अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 34,300 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की, तो अभी आपको दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी 41,530 रुपए का मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।